पास में? चार। चारों बिल्व पत्र को साथ में लेकर के और आगे बढ़े, और जैसे ही भगवान का शिवालय का मंदिर आता है, उन शिवालय मंदिर में जाकर के जैसे ही गर्भगृह में जाते हैं, इसके पहले आपको नंदी दिखेगा। कौन दिखेगा? नंदी। दूसरा बिल्व पत्र ले, भगवान नंदी के माथे पर चढ़ा दें, और शिव कहते हैं कि अगर गणपति रहे या ना रहे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंबिका रहे या ना रहे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कार्तिक रहे या ना रहे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर नंदी नहीं रहे तो मेरे को फर्क पड़ता है। नंदी कौन? धर्म का स्वरूप। नंदी कौन? भगवान का अवतार, खुद शिव का पूर्ण ब्रह्म का अवतार माना गया है नंदी। दूसरा बिल्व पत्र ले, नंदी के माथे पर चढ़ाएं, और जो समस्या है नंदी के कान में सुनाने का प्रयास करें। दुनिया वाले को सुना रहे थे, ऐसा नंदी को सुनाओ, दुनिया को सुनाओगे कोई फर्क पड़े या नहीं पड़े, पर नंदी तो वो है जो शिव बहुत ज्यादा प्रिय मानते हैं। नंदी को कहना, भगवान मेरे घर में ऐसी ऐसी समस्या आ रही है प्रभु, मेरी लाज रख लेना। दूसरा बिल्व पत्र चढ़ाओ, नंदी के कान में सुनाओ, और फिर आगे चलने में देर मत करना। बोलो हर हर। तीसरे बिल्व पत्र को जगत जननी मां जलाधारी का स्वरूप मानते हैं अंबिका जी को। जलाधारी को क्या मानते हैं? अंबिका जी। लिंग प्रगटोत्सव में दादा अलग अलग कथाएं आई है, पर भागवत के अंदर अलग आया और शिव पुराण के अंदर अलग आया। शिव पुराण में तो यह आया कि लिंग प्रकट भगवान शंकर ने किया, परंतु अगर लिंगाष्टक के माध्यम से जाने तो लिंग प्रकट होने का एक कारण और भी था कि जब जैसे ही लिंग आकाश मंडल में से गिरा, माता अंबिका ने अपनी योनि में उसे धारण करने में धारण किया। तीसरा बिल्व पत्र जलाधारी के ऊपर मां अंबिका के पास में, और माता अंबिका को ध्यान रखना, उस समय शंकर को कंकु नहीं लगता है, पर माता अंबिका को कंकु लगता है। कभी भी शिवालय में जाए ना तो कंकु मेरे महादेव को मत लगाना, और अगर लगाओ भी सही तो ध्यान से सुन लेना, हल्दी वाला कंकु मेरे शंकर को चढ़ता है। जलाधारी के पास में गए, कुमकुम लगा दिया, अपने भाग्य की रेखाओं को ये मस्तक उस जलाधारी को पर रख देना, और कह देना कि भगवती तू तो सब कुछ जानती, मेरे घर में कितना बड़ा संकट आ गया। मां तू तो मां है, तू शंकर की अर्धांगनी है मां, और मैं तेरी शरण में आई हूं। बिल्व पत्र को चढ़ाना, ये अपना माथा उस जलाधारी पे रखने में देर मत करना, और रो करके उस मातेश्वरी से प्रार्थना करना कि मेरा दुखड़ा शंकर से जाके सुना देना। कभी भी अपने जीवन में संकट आए, अरे यहां तक कहा है कि जहां पर भी रोग हुआ तो उसकी दवा है, पर आज के जमाने में लोगों ने रोगों की दवा दूसरी दूसरी बताई है, और लोगों ने करने में भी देर नहीं करी। ये साधारण पूजा है प्रभु, आप एक बार तो करो, आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। तीसरा बिल्व पत्र चढ़ाओ, माता रानी को प्रणाम करो, और चौथा बिल्व पत्र जहां शंकर का शिवलिंग है माथे के ऊपर, चौथा बिल्व पत्र नहीं चढ़ाना है, चौथा बिल्व पत्र चरण में चढ़ाना है। और चरण में चढ़ाने के बाद में एक मेरे भगवान से एक बात कहनी है, वही बात, अगर कोई याद ना हो तो कोई जरूरत नहीं, पर वही भाव, मेरे को तो यही बात अच्छी लगती है, क्योंकि यह मंत्र भी नहीं सिखा सकता आपको, कोई पूजा करने का तरीका भी नहीं दे सकता, तो जो मैं भजन गाता हूं वही भजन मैं आपको सुना रहा हूं। उस शंकर के सामने कहना, प्रभु तू दीनों के ऊपर दया करने वाला है, तू कृपालु है भगवान, तू हर जगह नैया को पार कर देता महादेव। और चौथा बिल्व पत्र लिया, और बिल्व पत्र मेरे महादेव के पास में चढ़ा देना। ध्यान रखना, तीन बिल्व पत्र सब उल्टे हैं, पर चौथा चरण में बिल्व पत्र चढ़ रहा है ये सीधा है। तीन बिल्व पत्र कैसे उल्टे, पर चौथा बिल्व पत्र चढ़ रहा है ये शंकर के चरण में चढ़ाना है, इसे सीधा चढ़ाना है, यानी मैं अभी तक उल्टा 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 आ रहा हूं, और शिव तेरे पास में आ गया हूं, अब आज से मेरा सीधा मार्ग दिखाने में देर मत करना। ये महादेव, और उस समय बिल्व पत्र चढ़ाएंगे, कहेंगे त्रिदलम त्रिगुणाकारम
त्रिनेत्रं चत्रयायुधं त्रिजन्म पाप संवारं एक बिल्व पत्र शिव हर हर। भगवान महादेव के सामने बैठ करके चौथा बिल्व पत्र चढ़ाएं, कोई मंत्र नहीं याद हो तो ये बोल देना, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है मुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं भोले। बस भगवान के चरण में एक वंदना करते हुए चौथा बिल्व पत्र चढ़ा देना, और आखिरी और अंतिम पांचवा बिल्व पत्र लेकर के जाओ। पांचवा बिल्व पत्र भगवान झंडे के ऊपर रखो, जो आपके पास में झंडा था। लोगों ने एक तो स्वस्तिक का अर्थ नहीं समझा और दूसरा झंडे का अर्थ नहीं समझा अभी तक। जो स्वस्तिक बनाती हो ना, यही कल्याणकारी स्वस्तिक है, पर आपको बनाना नहीं आ रहा है और उसका फल नहीं मिल रहा। स्वस्तिक अगर जिस दिन सही बनाना सीख गई आप, तो ये समझ लेना कि आपके घर की तकदीर बदलने में भी देर नहीं लगेगी। पर ये स्वस्तिक बनाना, झंडा भी लगाते अपन जाते ना जगन्नाथपुरी में, कितने झंडे चढ़ते हैं मेरे भगवान के, और देखो उस जगन्नाथ भगवान का कितना बड़ा प्रमाण, अगर हवा इधर से चले तो झंडा इधर उड़ता चले। जगन्नाथपुरी में कभी जाना, जिधर हवा हो उधर झंडा चलना चाहिए, पर उल्टा। मेरे भगवान की इतनी बड़ी कृपा, मेरे जगन्नाथ भगवान की इतनी बड़ी कृपा कि इधर हवा चले तो झंडा इधर उड़ने में देर नहीं करता है, ये मेरे महादेव की कृपा है। और पांचवा बिल्व पत्र झंडे के ऊपर रखो और कह दो, प्रभु जैसे झंडा हवा में फड़ करके बहता रहता है, जैसे हवा में अपन झंडा लगाते तो उड़ता है कि नहीं उड़ता है, शंकर भगवान से निवेदन करना कि पांचवा बिल्व पत्र तेरे माथे पे चढ़ा रही हूं और एक ये झंडा लेकर के आई हूं, मेरे जीवन के दुख, मेरे जीवन के संकट, मेरे जीवन के दारिद्र महादेव तेरे शिखर पे लगा दूं, और सिर्फ 7 दिन में तेरे से निवेदन कर रही हूं, कोई ना कोई चमत्कार करने में देर मत करना। बस इतना कहके झंडा महादेव के शिखर पर लगा दें, बिल्व पत्र महादेव को चढ़ा दें, और इसके बाद में एक नियम आता है कि 2 ब्राह्मणों को मंदिर में जिमा दें। कहां भी पूजा करने जाओगे ना तो ब्राह्मण का पूजन सर्वोपरि है। आजकल तो लोग ब्राह्मणों को ना जाने कौन सी दृष्टि, कौन सी हीन भावना से देख रहे हैं। ब्राह्मण कल्याणकारी के, भू देवता। अरे भाई ब्राह्मण साधारण नहीं, ब्राह्मण भू का देवता है। किसी भोलेनाथ को देखना है तो कोई डमरू लेकर के नहीं आएगा, भोलेनाथ माथे पे भस्मी लगा करके नहीं आएगा, भोलेनाथ नंदी के ऊपर बैठ करके नहीं आएगा। किसी ब्राह्मण को देख लेना, मन में भाव जग जाए तो समझ लेना कि महादेव के दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। और आज वही भाव सभी ऋषि महात्माओं ने वहां पर जाएं, शिवालय में जाकर के मेरे भगवान से एक ही बात कहें, बड़ा सुंदर सा भजन मेरे भगवान के लिए गुणगान गाएंगे, जैसे मीरा ने गाया था, एकली खड़ी रे मीरा बाई, एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीरा बाई, एकली खड़ी, गोविंद आवो तो सरी, मोहन आवो तो सरी, माधव राम मंदिर में मेरा भाई एक लेखने, गोविंद
भाई एक लिखनी भाई एक लिखड़ी गोविंद आवो तो सरी माधव आवो तो सरी माधव राम मंदिर में मेरा भाई एक लिखड़ी
करिए। ये भूत प्रेत का डांस एक अलग ही रहता है, इनका कोई ज्ञान नहीं कहां नाच रहे हैं कोई पता नहीं। और भोलेनाथ की बारात में तो बड़ा अद्भुत दृश्य है, सब कोई नाचता है, किसी को नाचना आए या नहीं आए। और वास्तव में सही बात तो ये है कि दुनिया को दिखा करके नाचना भी क्या नाचना है। मेरे को कोई देखेगा मैं अच्छा नाचता हूं, नहीं, दुनिया को मत दिखा, दुनिया वाले देखेंगे तो तेरे मन में या उसके मन में गलत भाव उत्पन्न हो जाएगा। पर तू एक बार यूं कह दे कि मैं नाचूंगी मेरा महादेव देखेगा, मैं नाचूंगी मेरा विष्णु देखेगा, मैं नाचूंगी मेरा गणपति देखेगा, तो ये तीनों देवता तेरा कल्याण करने में देर नहीं करेंगे। और उस समय कहना ना भगवान के लिए, नाचत नाचत पायल टूट गई, नाचत नाचत पायल टूट गई, क्या तुम उसे बुलवा दोगे, भोले तेरे मंदिर में। बस गा रहे हो, नाचना भी हो, वचन दे दिया आपने, ताली बजा बजा के कह दिया ए भोले तेरे मंदिर में। तो जो नाचता है, मेरे भगवान ने कहा कि देखो आज मीरा भी नाच रही है, मीरा दीवानी हो गई है कृष्ण के लिए। और मीरा ऐसी नाची ऐसी नाची ऐसी नाची कि तुम क्या नाचोगे, जब नाचती थी तो पैरों के घुंघरू टूट जाया करते थे, ऐसी नाचती थी। वीणा को बजाती थी, एक तंबूरे को लेकर गाती थी, ना तो कोई लोक लाज थी, ना ससुर का भय था, ना राणा का भय था, बस लोगों ने यही कहा कि ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी नाचती थी। अपन नाचे दूसरा देखे, ये नाचना थोड़ी है, ऐसा नाचो ऐसा नाचो। और सही बात तो यह है कि जो भगवान के सामने नाचता है ना, उसको नाचना नहीं याद है, ना तो लय का ज्ञान है, ना संगीत का ज्ञान है, ना ठुमके का ज्ञान है। वो दुनिया को दिखा के नहीं नाच रहा है, वो मेरे स्वामी को दिखा करके नाच रहा है, मेरे महादेव को दिखा करके नाच रहा है, मेरे भोले के सामने नाच रहा है। और मेरे भोले ने कहा कि कैसा भी नाच, उल्टा बिल्व पत्र, चाहे सीधा, चाहे कंकु, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी, कैसा भी चढ़ा, महादेव प्रसन्न होने में देर नहीं करेगा। भोलेनाथ की वाणी। और सभी देवता आज नाच करके जा रहे हैं, उनके बारे में कहा ना थोड़ा सा, बारात लेकर चलते हैं तो एक रामचरितमानस का सुंदर सा एक गान आता है। तीनों लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है, तीनों लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है, आज मनोकामना फले, राम जी की सेना चले, राम जी की सेना चले, ताली बजा रे। प्रसन्न है तीनों लोग धन्य है, देवता प्रसन्न है, आज मन कामना फले, मेरे भोले की बारात चले, आज मन कामना फले, राम जी की सेना चले, हरि हरि महादेव, हरि हरि महादेव, हरि हरि निश्चरहीन करेंगे धरती ये प्रण है श्री राम का, जब तक काम न पूरण होगा नाम नहीं विश्राम का, ओम जय
बिल्कुल मेरे महादेव से जो प्रेम करते ना, बिल्कुल ताली बजाकर एक बार हर हर। तीनों लोग धन्य है, देवता प्रसन्न है, तीनों लोग धन्य है, देवता प्रसन्न है, आज मनोकामना फले भजन उस रामायण के अंदर गाने वाले ने गाए थे। आज के जमाने में दूसरी रामायण बन गई, पर शायद उस रामायण का आज तक कोई तोड़ नहीं आया होगा। कितने सुंदर भजन गाए थे और गायक का नाम रविंद्र जैन। रविंद्र जैन ने एक एक शब्दों को इतना सुंदर गाया था कि नी किसी को जोश आए तो जोश आ जाया करता था। और वास्तव में राम, और कभी कभी ध्यान देखना, कभी कभी कहते ना हम नर हैं, भगवान हमको दर्शन नहीं देता। कभी कभी लोग कहते हैं हम नारी बनकर आए हैं, भगवान हमको दर्शन नहीं देता। कभी कभी कहते हैं कि हम लोग अन्य रूप में आए, पर ध्यान रखना, अगर तुम्हारा भाव सही होगा, तुम्हारा प्रेम सही होगा, राम जी के सामने तुम निरंतर पूजा करते रहोगे, तो वही राम तुम्हारे हृदय में आएगा और तुम्हारे हृदय में आकर तुम्हारे शरीर में आने में भी देर नहीं करेगा। अपना मन जैसी भक्ति चाहे। और देखो आज सभी देवता नाच करके गा रहे हैं, राम जी भी चल रहे हैं। कथा में शिव पुराण में राम का भी उल्लेख आया है, राम जी भी रथ के ऊपर चलते जा रहे हैं, शंकर भगवान पीछे हैं, सभी देवता आगे आगे नाचते 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 जा रहे हैं। और भूत प्रेत जब नाचते हैं ना, तो देवताओं ने कहा कि अलग सर को यहां क्या नाचते हो। भूत प्रेतों को लोगों ने धक्का दे दिया, और जब भूत प्रेतों को धक्का दिया ना, तो एक भूत प्रेत शंकर के सामने गया और शंकर भगवान के चरण पकड़ लिए और रोने में भी देर निकल रहा है। महादेव कैसा न्याय है तेरा। लोग हमारे ऊपर जादू टोना करते हैं, हमें लोग मंदिर में नहीं आने देते, लोग हमें घर में नहीं आने देते, लोग हमें भोजन नहीं कराते, पर आज आनंद आने का मौका मिला ना, तो देवताओं ने धक्का मारने भी देर नहीं करी है। एक भूत रो रहा है, प्रेत रो रहा है, शंकर भगवान करुणा के अवतार है, देवताओं ने धक्का दे दिया, भगवान हमको नाचने नहीं दे रहे। और अब आपको सुनकर आनंद आएगा कि शंकर भगवान कितना करुणा का अवतार है। किसी देवता में करुणा नहीं, मेरे भगवान में इतनी बड़ी करुणा। जैसे भूत प्रेत रोया, शंकर भगवान ने कहा कि डरो मत, तुमको आगे नहीं नाचने दे रहे ना, तो तुम मेरे पीछे पीछे नाचो। भूत प्रेत ने कहा कि प्रभु अगर पीछे नाचेंगे ना, तो हमको कौन देखेगा, आगे आगे तो सब देख रहे हैं, पीछे पीछे कोई देखने वाला भी नहीं मिलेगा। और सही बात तो ये कि हम दुनिया के लिए नहीं नाच रहे हैं, हम ब्रह्मा के लिए नहीं नाच रहे हैं, हम विष्णु के लिए नहीं नाच रहे हैं, हम इंद्र के लिए नहीं नाच रहे हैं। आज नाचने का मौका मिला तो मेरे बाबा के खातिर मिला है। भोलेनाथ हम आपके लिए नाच रहे हैं, ये दुनिया के लिए नहीं नाच रहे। और बस शंकर भगवान के सामने इतनी बड़ी बात गई, तो आज मेरा शंकर भी रोने में देर नहीं कर रहा, दूल्हा बनकर गया है। ये करुणा है साहब मेरे महादेव की। शंकर भगवान ने आज रोने में देर नहीं करी, और जब रोने लगा, इतना रोने लगा, भूत प्रेतों से कह दिया कि दुनिया वालों के लिए मुख, आज से मैं मुख मोड़ने का काम करता हूं। शंकर भगवान ने नंदी के ऊपर बैठे तो थे, पर नंदी से उतरे और शंकर भगवान ने जिधर पूंछ थी भूत प्रेतों को उधर बिठा दिया, उधर कहा कि तुम नाचो, कोई देखे या ना देखे। शंकर भगवान ने पीठ देवताओं की तरफ कर दी, मुंह भूत प्रेतों की तरफ कर दिया, नाचो, जितना नाचना है इतना नाचो, ये मेरा शंकर।
जो दुनिया को देखे वो शंकर नहीं, वो शंकर कोई जल चढ़ाए और प्रसन्न हो जाए, कोई दानव कहे और प्रसन्न हो जाए। अरे भाई रावण ने भी शंकर को प्रसन्न किया तो शंकर भगवान ने आशीर्वाद देने में देर नहीं करी। ऐसी रामचरितमानस की कथा अलग, भागवत की कथा अलग, पर ये शिव पुराण की कथा पूरी अलग। बड़ा आनंद आने लगा। और इसमें उल्लेख भी आया है किसी का एक दांत, किसी के बड़े बड़े दांत, किसी के बड़े बड़े बाल, किसी के हजारों कान, किसी की आंख, किसी की आंख नहीं। बड़ा अद्भुत प्रसंग, निराले ढंग से मेरा बाबा चल रहा है, मेरा महादेव चल रहा है, सब लोग जय जयकारा होने लगा, सब लोग बोल रहे हर हर। और आजंदा के अंदर भी कल मेरा भगवान आया था, इतना आनंद। कल देखो ना, 5 कप बज गई, पीठ पे बैठे, व्यास पीठ पे बैठे बैठे कोई पता नहीं चला। और जहां आनंद है वहां राम है, जहां पर आनंद है वहां श्याम है, और जहां पर आनंद है मेरा महादेव आने में भी देर नहीं करता है। आनंद की सीमा जहां पूर्ण हो जाए। कथा को सुनते सुनते आनंद नहीं आए, कथा को सुनते सुनते आंख में से आंसू नहीं आए, कथा को सुनते सुनते नाचने का मन नहीं हो, तो ये समझ लेना कि शिव यहाँ पे नहीं आया है। पर जैसे ही आपके मन में आनंद का क्षण प्रारंभ हो जाए तो समझ लेना कि महादेव कैलाश पर्वत छोड़ करके आजंदा में यादव धर्मशाला में आने में देर नहीं कर रहा है। देवता सब लोग जा रहे हैं, कोई पुष्प उड़ा रहा है। महादेव का बड़ा अद्भुत संगम है। और आपने कल सुना भी होगा कि शंकर भगवान ने माला को धारण नहीं करी है, शंकर भगवान ने नाग को धारण किया है, शंकर भगवान ने मोड़ नहीं बांधा है, शंकर भगवान ने चंद्रमा को बिठाया है, शंकर भगवान ने कोई कोट पेंट नहीं पहने, शंकर भगवान ने बागंबर को धारण किया है। बड़ा अद्भुत प्रसंग मेरे महादेव का, मेरे भोले बाबा का। इतना अद्भुत प्रसंग है कि सब देवता आज धन्य हैं, सब लोग नाचते नाचते जा रहे हैं, सब भगवान के प्रति कीर्तन करके जा रहे हैं, सब भगवान के प्रति अपना भाव प्रकट करके जा रहे हैं। और देखो सबसे पहले ब्रह्मा, इसके बाद में विष्णु, इसके बाद में इंद्र। और आपने सुना भी होगा कि जैसे गाँव में बारात आती है तो कोई लोग दौड़े या नहीं दौड़े, पर बालक उन सबसे पहले। कल के लिए भी बालक ही दौड़े थे, मां से कह दिया कि मां बारात आई है, हम लोगों को जाना है। मां ने कहा कि बारात अपने घर की आएगी। और एक बात भी सुनो ना, गांव का लाड़ा की कदर नहीं हो पर बाहर का लाड़ा आए तो कैसा भी हो, लोग देखने के लिए जाते हैं। और कथा में आता है ना कि जहां जो गांव का कितना भी अच्छा हो लोग उसको पूजन नहीं करते हैं, पर बाहर का आता है ना उसका पूजन किया जाता है। शंकर भगवान आज देवाधिदेव महादेव बारात लेकर के आया है। सब बालकों ने दौड़ने में देर नहीं करी, बेचारे बालक दौड़ते गए दौड़ते गए दौड़ते गए। सबसे पहले ब्रह्मा को देखा, आज बालक को मजा आ गया कि एक दाढ़ी वाला भी आया है। देवताओं ने बालक और आगे बढ़े। विष्णु भगवान को देखा तो कहा कि बहुत सुंदर एक आया है, इतना सुंदर बालक को मजा आ गया। अब बालक को नहीं मालूम कि पीछे और भी रोल खराब आ रहा है। बालक उन्हें कुछ नहीं देखा, विष्णु भगवान का रूप को देखा। मेरा विष्णु इतना सुंदर है, आपको कल्पना के भाव से ले जाना चाहता हूं कि विष्णु इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि विष्णु भगवान की अगर कोई आंखें देखता है, विष्णु भगवान के कोई हॉट देख लेता है, विष्णु भगवान के कानों को देख लेता है, विष्णु भगवान की भुजा को देखता है तो सब लोग दीवाना होने में भी देर नहीं करते, ऐसा विष्णु। और उसके लिए एक बात भी कही है, शांताकार, सदैव शांत रहने वाला, उग्र नहीं है बिल्कुल। यहां तक कि विष्णु भगवान को तो भृगु ने छाती पे लात मार दी। और भृगु ने जब छाती पे लात मारी ना, ये दुनिया वाले को ज्ञान दिया है कि मेरे विष्णु भगवान ने ब्राह्मण का कितना सम्मान किया है। जैसे ही भृगु जी ने छाती उठाई विष्णु भगवान के वृक्षस्थल के ऊपर या छाती के ऊपर, जैसे ही एक पैर का प्रहार किया तो विष्णु कितना सरल और सहज है। विष्णु भगवान ने आज भृगु जी की आज पैरों को उठाया और पैरों को उठा करके अपने माथे पे लगाया और ये कह दिया, भृगु जी मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपने मेरे को आज पैर का प्रहार किया तो आपके पैर में लगी तो नहीं, ये भाव विष्णु का था। आज विष्णु भगवान बड़े सुंदर, बालकों को मजा आ गया, ओ आज तो अपने गांव में बारात आई, ने जिमने का मौका मिलेगा नहीं।
और आगे चले, इंद्र को देखा तो इंद्र का मुकुट बड़ा सुंदर है क्यों, सभी देवताओं का राजा है। इंद्र को देखा तो दो तीन बालक बोले देखो 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 इसका मुकुट कितना सुंदर लग रहा है। इंद्र ने कहा कि तुम्हारे बाप भी पीछे आ रहे हैं, देखते चलो। बालक ने इंद्र को देखा, आगे देखा तो एक लड़के ने कह दिया, एक बालक ने कह दिया, ओ लाड़ा तो कैसा, लाड़े की पीठ दिख रही, मुंह नहीं दिख रहा है। तो दो चार लड़के बोले और आगे चल। दूल्हे को देखना कितना सुंदर है। और जैसे ही बालक गए और आगे बढ़ते गए, जो सबसे आगे था उस आगे वाले बालक की डक्की बंद गई, बोले न कोई चले, क्या हो गया। पीछे वाले से कहा कि तू देख ले, तेरे को देखना हो तो तू देख ले। अब सब देखे तो बड़े बड़े भूत प्रेत, कोई की आंख नहीं, कोई की जटा, यहाँ तक कोई के हजार हाथ, कोई के न जाने क्या क्या, ऐसा अद्भुत। सब बालक ने की दौड़ लगाओ नहीं तो ये सब मर जाएंगे, अपने को ये सब खा जाएंगे। दौड़ते दौड़ते सब भागे, दौड़ते दौड़ते सब भागे और सबसे पहले अपनी माँ के पास में गए और माँ से कहा कि माँ 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 जितनी रजाई है उड़ाने में देर मत कर तू। माँ ने कहा कि बड़े दौड़ते दौड़ते गए थे, हमने की कि रुक जाओ बारात यहाँ जाएगी। बोले माँ बात मत कर, बहुत बारात खतरनाक है, ये डेंजर बारात आई है, रजाई उड़ा दे, तकिया उड़ा दे। आज माँ ने भी कहा कि ऐसा क्या हो गया। और जैसे ही बालक यहाँ पर डर जाते हैं और कल की कृपा ये बालक वाली शिव पुराण की, अगर अपन कहते हैं ना बालक डरते नहीं है, आपको मैं बता दूं कि उन बालक को मेरे शंकर ने आभास कराया था कि मेरा भोलेनाथ आजंदा में आया, आभास करवाया था। नहीं तो कोई भूत से डरे, कोई प्रेत से डरे नहीं, वो बालक भाग्यशाली हैं कि दुनिया वालों ने देखा या नहीं देखा, दौड़ते दौड़ते वो बालक गए और मेरे महादेव के दर्शन किए हैं, भाग्यशाली थे। और आज शंकर भगवान जैसे ही आए, मीना के मन में आया, सासू जी की एक मन में होती, कैसा मेरा दामाद सज के आया, पाउडर लगा के आया, डव लगा करके आया, क्या क्या लगा करके आया। मीना के मन में आया, थाली सजा, मेरा दामाद आ गया है। पार्वती माता बड़ी आनंदित हो रही है और आज मीना ने थाली सजाई है। और जैसे ही ब्रह्मा को देखा, लोगों से पूछा कि ये मेरा दामाद, बोले नहीं ये तो बूढ़ा है, दाढ़ी वाला आ गया। विष्णु भगवान को मीना ने देखा, इतने सुंदर मेरे भगवान। और यहां तक कहा है, ध्यान से सुनना, नाम है तेरा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। राधा को देखो, प्रतिमा में देखो, इतनी सुंदर लगे और वास्तव में अपने सामने आ जाए तो कितनी सुंदर होगी। विष्णु भगवान को देखा, मैंने कहा, बोले ये मेरा दामाद, बोले नहीं ये आपका दामाद नहीं है, वो तो पीछे पीछे आ रहा है और उसकी क्वालिटी तो पूरी अलग है, बिल्कुल अलग आता है। बस बेचारे बैंड वालों ने शुरुआत करी, राग बजाया कि बाहरो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा शंकर आया है। और उधर शंकर भगवान की जनता ने आने में देर नहीं करी, भूत प्रेत को देखा, आज मैना के हाथ से थाली छूट गई, आज वो रोने लगी। शंकर भगवान का रूप बड़ा अलग है, शंकर भगवान के गले में नाग है, शंकर भगवान ने कुंडल बिच्छुओं का धारण किया है, बड़ा अद्भुत मेरा महादेव। मीना ने कहा कि इस नारद की बात के कारण मैंने मेरी बेटी के भाग्य फोड़ दिए, रो रही है, मैं चाहे मर जाऊंगी, मेरी बेटी को कुएं में डाल दूंगी, मेरी बेटी को विष खिला दूंगी, पर इसके साथ में विवाह। विष्णु भगवान ने कहा कि शंकर हो गया सब कुछ, लगन भी नहीं हुए ने, दड़म दड़म होने में देर नहीं हो रही है। शंकर भगवान ने कहा कि क्या हो गया, बोले थोड़ा रूप डंगडाचे का करो, कभी कभी कोट पेंट भी पहन लिया करो, जो बापड़ा पजामा कुर्ता पहने लाड़ी लेने के लिए जाए तो उसको भी कोट पेंट पहना देते हैं, आप भी पहन लो। शंकर भगवान ने कहा कि ठीक है, हमारी सासू जी को आज हमारे दर्शन करने हैं ना, तो देखेगा। आपको एक बात मैं बता दूं, बहुत बड़ी शिव पुराण के अंदर आई है कि लोग कहते हैं कि शिव सुंदर नहीं है, पर आज मेरा शिव इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि विष्णु की भी आज सुंदरता कम पड़ गई है, इतना सुंदर मेरा महादेव। कहा करपूर
दुर्गारम करुणावतारम। देखा शंकर भगवान बिल्कुल आज कृष्ण वर्ण से बिल्कुल गोरे बन गए हैं, आज माथे के ऊपर तिलक लगाए और शंकर भगवान ने आज मुकुट को धारण किया है, बड़ा अद्भुत। आओ एक बार शंकर को प्रणाम करें हम लोग, हर हर। और यहां तक आया कि शंकर भगवान के सामने देखो करोड़ों सूर्य भी आज फीके पड़ने लगे, करोड़ों, एक सूर्य नहीं करोड़ों सूर्य फीके पड़ने लगे। आज मेरे शंकर ने आभूषण को धारण किया, आज मेरे शंकर ने चैन को धारण किया और देखो चंद्रमा आज मस्तक पर लगा है, चंद्रमा ने भी आज प्रकाश करने में देर नहीं करी है। गंगा माता चंवर डुला रही है, यमुना जी चंवर डुला रही है, माँ सरस्वती चंवर डुला रही है और आज मेरे भगवान का रूप देखा, इतना सुंदर इतना सुंदर इतना सुंदर मेरे भगवान का रूप देखा। तो आज मीना ने एक बात कह दी, कहा शीश गंगा की धार।